हेलो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू न्यू भिडियो। संपूर्ण आदरणीय दर्शक मन में हार्दिक न्यानो स्वागत करना चाहूँ डाक्टर अलेरा सुरेश लामा को न्यू लेटेस्ट भिडियो साथी लीर उपस्थित भैसको यहाँ संचालन कुशल होगा। अलग ढिला ढिला भिडियो पोस्ट करी काम व्यस्तले म सो साथी आज अपने एकदम नया भिडियो रखे यहाँ कस्ट लगने भिडियोला अंतिम समय हेरा यहाँ आपको कमेंट सुझाव सलाह सकारात्मक कमेंट बक्स में लिखना भन्दै आज को भिडियो तर्फ म यहाँ सँग ले जान चाहन्छु। नाउ लेट्स एन्जॉय दिस भिडियो। ये तुमसे बात करना चाहता है, ये देखो कैसा लग रहा है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं ठीक, आप बताइए आप? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ बेटा कैसा लग रहा है ये? तुम लोग आप लोग तो जाने वाले थे कल। ए अभी आए हैं। बात सुनो, ये कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा ना? कैसा लग? अभी अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था। देखो ना, इतना नोट नहीं करते ना। क्यों अच्छा अभी अच्छा लग रहा है? पहले भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है। हैंडसम अभी ज्यादा अच्छा है, बोलो अभी ज्यादा अच्छा। आप बोलो आप ज्यादा अच्छा लग रहे हो। नहीं बोलो अभी ज्यादा अच्छा है, अभी ज्यादा अच्छा है। अब ये सेट के बात करिए। देखो लोग क्या बोल रहे। सच्ची तुम किक में नहीं गए थे? हां तो तुमने कहा था मैं कल मन हां 19 पे नहीं मनाऊंगा। तो हां तो 19 पे मनाते हैं। टाइम हो गया मतलब टाइम अपॉइंटी में आपका टाइम का क्या मतलब उसके? कैसे ठीक लिख गया है? अरे चूचू का बर्थडे नहीं, मेरा बर्थडे है। केक लेने गए थे लगा इतना देर लगा रहे ये मिरर करो ना। मिरर किया नहीं हूँ। हाँ अभी हो गया ये गिरा दोगे? तुमने लिखवाए ऊपर? हाँ थैंक यू। ए तुम लोग मेरे लिए केक नहीं लेके आए ना? देखो ये लेके आया है। फर्क तो है ना सब में। बड़ा बहुत हैप्पी बर्थडे। क्या प्लान किया तुम लोगों का? डॉक्टर एलिया देखो आप इतना देर हुआ, ये तो बहुत बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो? हराम है या हलाल? बकवास बंद करो, ये हलाल ही होता है पागल। थैंक यू। ए ए चलो गाइस एवरीवन। हाँ चाकू नहीं दिखाऊंगा, सब लोग बोलो कमेंट पे हैप्पी बर्थडे। तुम कुछ खाओ, कुछ गाओ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके तुम गाओ 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 या कहो गाओ गाओ गा के कहो। क्या हुआ? थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा। क्या? ये आपके दिखाओ। वहाँ हाथ कौन से कटे? नहीं थोड़ा सा, नहीं। ओह यार पानी है इसमें तो यार। ये आपके लिए और आपको जन्मदिन की बहुत मुबारक। नहीं जी, हजारों साल।
मैं क्या करूँगी, सब मर जाएंगे। क्या हुआ? इसको लेके जाओ जो जो तार काट जाओ। जुजु जुजु है जुजु। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना। वैसे एक साल बुकिंग हो गई लेकिन फिर भी जन्मदिन की बहुत मुबारक है और आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। इस साल में आपका कुछ तो हो जाए। क्या मतलब मेरा कुछ हो जाए? आपका कुछ हो जाए किसी अच्छे अच्छे सच्चे और सच्चे और मतलब ये हमारी आपको शुभकामनाएं हैं और आप तरक्की करें। गाड़ी ले लिया है आपने और गाड़ी अपना बनाने के लिए भी मतलब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि धन दौलत आपको मिले लेकिन आपको खुशी बहुत बहुत सारे मिले। कभी तुम क्या गिराना ना पड़े। नहीं नहीं बोलो यार, ये मेरी चॉकलेट उठा के मुझे दे रहे। अभी दुख के आंसू गिराना ना पड़े और हमेशा हंसता हुआ चेहरा दिखने को मिले इस साल भर और हमेशा बोलो क्या हमेशा प्यार करते रहे सबसे फोन है ना। अच्छा ये उसको बुला लो क्या है, केक साइड पे रख के टेबल पे केक उसको उठा लो। ओए चलो मैं खा ही देता हूँ आपके लिए एक बाइट और मेरे लिए इधर का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और यही सबके लिए जितने जितने भी लोग देख रहे हैं सबके लिए जैसे केक मीठा है ऐसे आपकी जिंदगी में मीठी हो जाए, खुशियों से भर जाए। मेरी मेरा आपको क्या बोलूंगा, दुआ दुआ बोल सकते हैं, दुआ है दुआ है और दुआ नहीं दुआ दुआ है बस आपकी अच्छा हो जाए। अभी खुशी में हम खुश हैं। मैं क्या कर रही हूँ? उसको उठा लो। आमीन। ओके, थैंक यू सो मच सबके लिए ये। वेलकम, थैंक यू। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुना। ये वो बर्थडे की बात कर रहे हैं कि लाइक हमारी फैमिली में ना बर्थडे जो होती है वो इस्लामिक मंथ पे लाइक बर्थडे नहीं बर्थडे भी हाँ जैसे कोई अगर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ है तो वो 12 रबीउल अव्वल को ही अपनी बर्थडे करेगा। हाँ ऐसे ही ऐसी है ना, मतलब हमारा एक इस्लामिक मंथ हमारे अलहदा होते हैं, ठीक है। हमारे वो वाले ये जनवरी फरवरी नहीं होते हमारे, ठीक है। जैसे आप लोगों का अलग होता है हमारा भी अलग है, ठीक है। अभी जो कोई किसी की डेथ होती है बरसी, हाँ फैमिली में किसी की बरसी होती है तो वो भी इस्लामिक मंथ पे ही करते हैं, इस्लामिक डेट पे करते हैं कि अगर 8 शबान है तो 8 शबान को करेंगे अगले साल भी, ठीक है। उस साल उसी डेट पे चाहे वो जनवरी में आ जाए चाहे वो दिसंबर में आ जाए उसी डेट पे करेंगे। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हमारी लाइक हमारी फैमिली वाले जो भी लोग हैं, मेरे नाना की जो डेथ हुई वो 20 अगस्त की रात को हुई 10-11 बजे और उनको अगले दिन दफनाया गया। वैसे तो वो डेट होती है कि जिस दिन दफनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं अगर इसकी बर्थडे है 20 अगस्त को तो हम लोग 20 अगस्त को ही बरसी करेंगे और करेंगे भी 20 अगस्त लाइक ये वाली इंग्लिश वाले मंथ की। हाँ तो वो कहते हैं इसी को ही करेंगे, हम आगे पीछे नहीं करेंगे, इस्लामिक मंथ में हम नहीं करेंगे, हम इसी की बर्थडे के दिन करेंगे। जब दफनाया जाए वो डेट होती है।
हाँ वरना वैसे तो 21st है ना, लेकिन सबको मेरी बर्थडे याद, वैसे किसी को याद भी नहीं होता कि किस दिन होती है बरसी होती है, बस यही याद है कि जिस दिन इसकी बर्थडे होगी ना उसी दिन हमने बरसी करनी है, इसी वजह से मैं नहीं करती अपनी बर्थडे। पिछली दफा की है क्योंकि पिछली दफा सबसे बोल चाल ही खत्म था, कोई आता जाता नहीं था, तो अभी उनको बुलाना पड़ेगा इसी वजह से फिर मतलब सबको अभी सबको बुलाना है पड़ेगा तो इसी वजह से फिर लाजमी नहीं है। हाँ लाजमी नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हाँ इसकी बर्थडे है तो उसी दिन ही हम करेंगे, वरना सब भूल जाते हैं ना। इधर से मेरी बर्थडे की का केक कटेगा वो कहेंगे ओ अस्तगफिरुल्लाह इसको शाम यहाँ आए हो अनर्थ हो गया ये, हाँ जी हमने बरसी करनी है। तो हम लोग अभी आपस में यही बात कर रहे हैं, कहता है कि ऐसा क्यों करना है आपने, आप अपनी बर्थडे करो ना, वो भी इस्लामिक मंथ। नान मेरी जो नानी है मतलब ग्रैंड मदर, नानी पता है ठीक है, उनकी जो होती है वो इस्लामिक मंथ पे होती है, और नाना अबू की करेंगे 20 अगस्त, उनकी होती है 28 शबान को, रमजान से 2 दिन पहले, वो भी याद होती है सबको, ये चलो रोजे आने वाले हैं तो तभी उनको याद होती है, अब ये उनको याद है भी लेकिन उस दिन नहीं करते। हमारी ये कह रहे कि आप 20 अगस्त को करो, मैंने कहा नहीं यार क्यों खाम खा सबसे पंगा लेना खानदान वालों से। हाँ वो तो है ठीक है कोई बात नहीं, बर्थडे तो बर्थडे है, कब मना, अभी मनाया है ना? उसमें भी मनाया था प्री बर्थडे और फिर भी हाँ प्री बर्थडे, मैंने कहा मेरी हो गया छोड़ो गए क्या खानदान वालों से पंगे लेने, बातें तो वही फिर करते हैं ना। कहते हैं 20 अगस्त को आप भी गिफ्ट मंगवाया है, वो गिफ्ट 20 अगस्त को पहुंचेगा तो आप 20 अगस्त को करो बर्थडे, आप पहले नहीं करो, इसको ये आग लगी कहते कि आपका गिफ्ट चलो रहने देता हूँ, आपको किसने भेजा ये लेके आया कोई गिफ्ट, अभी 20 को आएगा, इसने मंगवाया है। अच्छा 20 को आया, कहते चलो अगर आप नहीं करती तो छोड़ दो गिफ्ट, मैं नहीं नहीं थोड़ी बहुत हम कर लेंगे है ना, थोड़ी सी कर लेंगे। क्या मंगवाया, चाबी वाला घोड़ा, चाबी वाला घोड़ा होता है, होता है ना ऐसे चाबी करके, मैं वो क्यों मैं क्यों लूंगी पता नहीं, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज पसंद है ना। हाँ चाबी वाला कुत्ता था ना एक, वो तुमने चूज की थी ना छोटी आती लाइफ में सबको, तो मत बताओ कि मैं ऐसी चीजें पसंद करती हूँ। अच्छा तुम ये बंदा टॉयलेट चला गया, मैं गिफ्ट शॉप पे गिफ्ट देख रही थी, चाबी वाला कुत्ता उसकी ऐसे चाबी घुमा और से जंप लगा आगे जाता था, मैंने कहा ये कलाबाजी क्यों नहीं खाता, इस बात पे हमने ऑफर कैंसिल कर दी थी, फिर मैं नहीं लेके आए वो कलाबाजी, मैंने कहा इसको जंप करवाओ, 200 में कलाबाजी भी दिखाए वो चाबी वाला कुत्ता। मुझे पसंद था यार वो, ये कहते क्यों ले रही हो, पसंद है ना। हाँ कहता क्यों ये क्यों ले रहे हो, मैंने कहा मुझे पसंद है, कहता किसके लिए ले रहे हो, मैंने कहा अपने लिए ले रहे हूँ, क्या मतलब, मैं कलाबाजी खाने वाला गुलाटी खाने वाला कुत्ता मैं नहीं ले सकती क्या, मुझे पसंद है यार ये, मुझे लेके चला गया कहता ये लेना। ठीक है दगा दगा मेरे हम सब, नहीं यार गाना हो गया यार भाई, गला सूख गया, कल के लिए रखेंगे ना, पानी तो पी के आए, लेकिन नहीं इतना ज्यादा पुश नहीं करते गले को, अभी गा सकता हूँ मैं 1-2 घंटे और गा सकता हूँ। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सम्पूर्ण हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु, बेला अन्तिम समय हेरेर साथ सपोर्ट माया गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यहाँलाई के कस्तो लाग्यो भिडियो, डाक्टर आलिया सुरेश लामाको आजको कुराकानी, र स्पेसली आज मुस्लिम समुदायमा जुन एउटा जुन बर्थडेको विषयमा चाहिँ जन्मदिनलाई नै वार्षिक मनाउने भन्ने कुरा नयाँ कुरा सुन्यो बुझ्यो, सो यहाँलाई के कस्तो लाग्यो यहाँले आफ्नो कमेन्ट डाल्न राख्नु होला भन्दै यहाँहरूको समय शुभ रहोस्, हेभ अ नाइस टाइम, टेक केयर एन्ड सी यु, बाई बाई एभ्रीवन।